डायमंड नेकलेस, द डायमंड नेकलेस की क्या समरी है इसको देख लेते हैं एक बार, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड आता है तो आप उसका आंसर इजीली दे पाएं। इसमें सबसे पहली अच्छी बात क्या है कि ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं, आपके मेन थ्री कैरेक्टर्स हैं, और ये स्टोरी फोकस्ड है हमारा जो पर्सन नहीं है दैट इज़ मैटिल्डा लुइजल के ऊपर। मैटिल्डा लुइजल पर्सन नहीं है या मेन कैरेक्टर है, एंड शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली गॉट, बट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, काफ़ी प्रेटी होती हैं लुइजल, लेकिन वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती हैं। शी बींग पुअर वॉज मैरिड टू अ पुअर मैन, क्योंकि उनकी फैमिली क्लरिकल फैमिली होती है, पुअर फैमिली होती है, तो चाहे वो कितनी भी ब्यूटीफुल हो, उनकी शादी किससे होती है, एक क्लर्क से होती है, और वो भी एक पुअर पर्सन होते हैं। हर हस्बैंड वॉज एन ऑर्डिनरी क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और उनके हस्बैंड क्या होते हैं, वो भी एक क्लर्क होते हैं, मीन्स वो भी उन्हीं की फैमिली की तरह काफ़ी पुअर होते हैं। शी ऑलवेज ड्रैम्ड ऑफ फाइन ड्रेसेस एंड कॉस्टली ज्वेलरी। मैटिल्डा लुइजल क्योंकि काफ़ी प्रेटी होती हैं, एम्बिशियस होती हैं, और हमेशा वो किसका सपना देखती हैं, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स का, कॉस्टली ज्वेलरीज का। शी वॉन्टेड टू अटेंड पार्टीज टू बी प्रेज्ड फॉर हर ब्यूटी बाई ऑल, और मैटिल्डा लुइजल हमेशा चाहती हैं कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छी ज्वेलरी पहने, और जो एक अच्छी पार्टीज होती हैं हाई लेवल की, वो वहाँ पर जाएं और सभी उनको, जो भी उनको देखे, वो उनको अप्रिशिएट करे। किसके लिए उनको अप्रिशिएट करे, उनकी ब्यूटी के लिए। देन वन डे व्हाट हैपेंस विद हर, हर हस्बैंड ब्रोट एन इनविटेशन कार्ड फॉर एट होम फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। एक दिन उनके हस्बैंड को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है और वो उसको लेकर आते हैं किसके पास, लुइजल के पास, एंड शी वॉज ऑफकोर्स वेरी हैप्पी। शी वेंट टू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। मैटिल्डा लुइजल बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम परचेज करती हैं, जिसके लिए उनके हस्बैंड उनको काफ़ी अच्छा अमाउंट, जो उन्होंने सेविंग किया हुआ था, सब उनको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन मैटिल्डा लुइजल को अब क्या चाहिए, उनके पास कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं होती, जो जो भी उनके पास कॉस्ट्यूम होती हैं, ड्रेसेस होते हैं, ये ध्यान रखना कि वो उनके हस्बैंड की सेविंग्स से उन्होंने परचेज की हुई होती है। तो अब वो ज्वेलरी के लिए क्या करती हैं, अपने फ्रेंड के पास जाती हैं, जो कौन होती हैं, मैडम फॉरेस्टियर, टू गेट सम ज्वेलरी एंड लाइक्ड अ डायमंड नेकलेस। उनकी फ्रेंड उनको काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज दिखाती हैं, और जिसमें से एक सबसे अच्छा जो नेकलेस होता है वो पसंद आता है किसको, मैटिल्डा लुइजल को, और वो डायमंड नेकलेस होता है। मैटिल्डा लुइजल को ऑफकोर्स, क्योंकि वो डायमंड नेकलेस है, तो उनको लगता है कि ये काफ़ी कॉस्टली है। नाउ शी वेंट टू द पार्टी विद हर हस्बैंड वेयरिंग द सेम डायमंड नेकलेस राउंड हर नेक। अब मैटिल्डा ने जो अपनी फ्रेंड से बोरो किया होता है डायमंड नेकलेस, वो उसको ही पहनकर पार्टी में जाती है, किसके साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और वो इतनी ज़्यादा प्रेटी लग रही थी कि इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि सब उनको देखते हैं, और वो एक तरीके से वहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं सभी के लिए, और सब उनको अप्रिशिएट करते हैं जैसा कि वो हमेशा ड्रीम देखा करती थी। एंड अट्रैक्टेड ऑल टू हर एट द पार्टी, शी डेंस्ड एंड फुलफिल्ड हर लाइफ लॉन्ग विश ऑफ डांसिंग। और जो अच्छे बड़े लोग होते हैं, जो वो हमेशा सपना देखा करती थी रिच पीपल के साथ डांस करने का, एंजॉय करने का, टू बी अप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ देम, तो वहाँ पर वो सब अपनी वो डिज़ायर फुलफिल करती हैं। एंड शी वॉज ऑफकोर्स शी वॉज सेटिस्फाइड एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। रिटर्निंग होम शी फाउंड दैट द डायमंड नेकलेस वॉज नॉट देयर इन हर नेक। लेकिन जब वो घर पर वापस आती हैं, वो काफ़ी खुश थी, काफ़ी सेटिस्फाइड थी, क्योंकि उनका एक सपना पूरा हो गया था पार्टी में जाकर। लेकिन जब वो घर पर आती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनके गले में क्या नहीं था, डायमंड नेकलेस नहीं था। शी फाउंड दैट द डायमंड नेकलेस वॉज नॉट देयर इन हर नेक। बोथ
स्टार्टेड टू सर्च इट बट फाउंड नो वेयर। अब क्या होता है, मैटिल्डा और उनके हस्बैंड दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उस नेकलेस को इधर उधर जहाँ से भी वो आते हैं सब तरफ वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नेकलेस नहीं मिलता और यहीं से उनकी लाइफ दोनों की चेंज हो जाती है। दे बोथ बिगेन टू वर्क वेरी हार्ड और दोनों इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको वो डायमंड नेकलेस रिटर्न करना था लेकिन वो उनके उनके पास से खो चुका था। तो वो क्या करते हैं कि जितनी भी कॉस्ट उस डायमंड नेकलेस की थी वो चाह रहे थे कि उतना ही वो अमाउंट या उतनी ही वो सेविंग करें और किसको वापस कर दें, मैडम फॉरेस्टर को, वो नेकलेस परचेज कर मैडम फॉरेस्टर का रिटर्न कर दे। तो ये उनकी ऑनेस्टी है, ये उनकी अच्छी बात है कि वो इस तरह से वो इतना हार्ड वर्क करते हैं। दे बोथ बिगेन टू वर्क वेरी हार्ड टू रिटर्न 18,000 francs। तो उनको क्या लगता है, क्योंकि वो डायमंड नेकलेस था तो वो उनकी वर्थ या उनकी कॉस्ट को वो एज्यूम करते हैं कि ये कितने का होना चाहिए, 18,000 francs का वो उसको एज्यूम करते हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था बिना हार्ड वर्क के सेव करना। और देखिए वो काफ़ी साल बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ पूरी चेंज कर देती हैं, इतना हार्ड वर्क करती हैं कि उनका स्टैंडर्ड अपने स्टैंडर्ड से भी वो बिलो आकर मेहनत करते हैं, सिर्फ किस लिए, ताकि वो जो भी कॉस्ट थी उस डायमंड नेकलेस की वो उसको वापस कर पाएँ। And what happens one day, Madame Forrester met Matilda and got shocked to see her so weak and changed. हमारी Matilda जो कभी इतनी सुंदर दिखा करती थी, फिट रहती थी, हेल्दी रहती थी, अट्रैक्टिव थी काफ़ी, लेकिन अब वो क्या हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनकी उस कॉस्ट को वापस कर सके, कि जब एक दिन मैडम फॉरेस्टर उनसे मिलती हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड होती हैं उनको देखकर, क्योंकि वो पूरी तरह से वो पहले वाली नहीं रही थी लुइजल, वो अब काफ़ी चेंज उनमें आ चुका था और वो काफ़ी उनको कमज़ोर भी दिखाई देती हैं। अब मैडम फॉरेस्टर को जो रियलिटी पता चलती है तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग होता है रीडर के लिए भी और हमारे पर्सोनेई जो हमारी कैरेक्टर हैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर हैं मैटिल्डा लुइजल के लिए भी काफ़ी शॉकिंग होता है कि वो उसकी कॉस्ट एज्यूम कर रही थी 18,000 francs, जबकि उसकी रियल कॉस्ट क्या होती है, मैडम फॉरेस्टर जैसे उनको बताती हैं कि वो तो एक इमिटेशन थी, वो एक कॉपी थी, मीन्स वो एक रियल नेकलेस नहीं था डायमंड का। शी टेल्स मैटिल्डा दैट द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस वॉज ओनली 500 francs। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, अपनी लाइफ की इतनी कीमती साल हस्बैंड वाइफ दोनों ने वेस्ट कर दिए, दोनों ने अपने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क उन्होंने किया सिर्फ उस 18,000 francs को गेन करने के लिए, कि जब उनको रियलिटी पता चलती है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, ओनली 500 francs। तो दोनों को काफ़ी शौक लगता है, एज इट वॉज ओनली एन इमिटेशन ऑफ अ रियल डायमंड नेकलेस, क्योंकि जो उनकी फ्रेंड ने उनको नेकलेस दिया था वो रियल डायमंड्स का नहीं था, बल्कि वो क्या था, वो एक्चुअली एक इमिटेशन थी, ओके, वो नकली हार हम कह सकते हैं और उसकी कॉस्ट सिर्फ 500 francs थी। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है यहाँ पर और इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स भी नहीं हैं। गुड, तो अगर आती है आपसे स्टोरी पूछी जाती है, प्लॉट पूछा जाता है, आपसे समरी ही पूछ ली जाती है ब्रीफ में, तो आपको इतना ही शॉर्ट में बस उसको हेडिंग्स डालकर आंसर दे देना है।